जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता है कि 26 अगस्त को बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। यह है जन्माष्टमी का पर्व, बहुत ही विशेष, बहुत ही खास पर्व, जहां पूरी दुनिया कृष्ण जन्म में डूब जाती है और उसे सेलिब्रेट करती है। कृष्ण प्रेम का प्रतीक जी हाँ दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो अमर माना गया है, पूरी दुनिया उस प्रेम की गीत गाती है। वही वही हमारे कृष्ण गोपाल जी का जन्म जो है वो 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन होने वाला है। इसकी शुरुआत जो है वो 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और समापन जो है 27 तारीख को 2:19 की रात में होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी को अगर व्रत रखना है तो आपको 26 अगस्त के दिन ही व्रत रखना है, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाली हूँ क्या कुछ भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, क्या हमारे गोपाल जी को बहुत प्रिय है, किस चीज का भोग आप उनको लगाएं, कैसे आप उनको प्रसन्न करें, कैसे उनका पूजन पाठ करें, और बहुत ज्यादा जो है वो थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी पूजा पाठ करके आप 1000 गुना फल की प्राप्ति करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें दोस्तों। आप सबको पता है कि गोपाल जी कितने नाजुक, कितने कोमल, कितने प्यारे से होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जिनको कहा जाता है, बहुत ही प्यार से। हर घर में आप देखेंगे कि आपको गोपाल जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्त जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो अब जब कृष्ण जन्म का दिन है, इतना विशेष, इतना खास दिन है, जबकि आपने देखा होगा कि जो मथुरा और वृंदावन में है, जो मथुरा और वृंदावन जो कि कृष्ण का धाम है, पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचते हैं, पूरी दुनिया से लोग कृष्ण को याद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं दोस्तों। तो हम भी अपने अपने घरों से, अगर आप मथुरा वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो हमारे घर में लाला जी विराजित हैं, जो हमारे घर में कान्हा जी विराजमान है, बस उनका ही आपको ध्यान पूजन अर्चन करना है और आपको हजारों लाखों पुण्यों की प्राप्ति कुछ क्षणों में ही हो जाएगी। सिर्फ एक दिन के पूजा पाठ से, व्रत से आपको 1000 गुना जो पुण्य फल होंगे वो प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से 1000 एकादशी के व्रत के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ कहा गया है कि 100 बार गंगा स्नान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक जन्माष्टमी के व्रत को रखने से आपको प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो इस दिन आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भगवान कृष्ण को समर्पित करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ दोस्तों कि भगवान कृष्ण जो हैं वो उनको किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, क्या कुछ जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। सबसे पहली और जरूरी बात है दोस्तों कि आप जो भी भोग लगाएं, जो भी भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों से उस भोग का निर्माण करें। जैसे कि फल वगैरह हैं तो वो तो आप नहीं बना सकते, वो आप मार्केट से लाकर उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो नैवेद्य, जो भोग, जो हलवा है, जो भी कुछ है, आप मिष्ठान अपने घर पर ही बनाएं और हाथों से बनाए हुए उस मिष्ठान का भगवान को भोग लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपको क्या भगवान को समर्पित करना चाहिए जो हमारे गोपाल जी को अति प्रिय है। आप सबको पता होगा कि भगवान को माखन जो है वो बहुत प्रिय है, है ना। माखन चोर एक नाम उनको दिया गया है माखन चोर का, क्योंकि भगवान बचपन में बहुत माखन चुरा चुरा कर खाया करते थे। तो सबसे प्रिय जो है वो भगवान को माखन है, साथ ही साथ मिश्री। इसलिए भगवान कृष्ण को दोस्तों माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और माखन आप अपने घर पर ही बनाएं। 1 या 2 दिन की आप मलाई को इकट्ठा कर लीजिएगा दोस्तों और बस उससे ही आप घर पे मक्खन का निर्माण कर सकते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला भोग माखन मिश्री का। उसके बाद कहा गया है कि भगवान कृष्ण को जो है 56 भोग लगाए जाते हैं, ठीक है, 56 भोग। तो भाई 56 भोग तो सबके बस की बात नहीं होती है, तो अगर आप भगवान को 56 भोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप भोग लगाना चाहें, भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। परंतु
अगर आप 56 भोग नहीं लगा पा रहे हैं कृष्ण को, तो आप सिर्फ और सिर्फ माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए दोस्तों, आपको 56 भोग के बराबर का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ भगवान कृष्ण को जो है वो मेवे बहुत पसंद है, ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, आप 5 या 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स का उनको मेवों का भोग लगा सकते हैं दोस्तों, जो उनको अत्यंत प्रिय माने गए हैं। साथ ही साथ जो है वो धनिया की पंजीरी जो बनती है दोस्तों, धनिया की पंजीरी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी गई, अति प्रिय व्यंजन जो है वो भगवान कृष्ण का है धनिया की पंजीरी। तो आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन आपको धनिया पंजीरी का भोग भगवान कृष्ण को अवश्य से लगाना चाहिए मित्रों। साथ ही साथ आपको शहद, वो जो शहद बहुत प्रिय होता है सभी देवी देवताओं को, प्रसाद के रूप में शहद का भोग लगाया जा सकता है। भगवान कृष्ण को भी शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपको जन्माष्टमी के दिन गोपाल जी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही सभी को पता है कि खीरा कितना महत्वपूर्ण होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो खीरा भी आप भगवान कृष्ण को, हमारे गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को समर्पित अवश्य करें दोस्तों। अब आता है पंचामृत। पंचामृत यानी कि 5 चीजों को मिलाकर जो बनता है वो अमृत के समान हो जाता है, जिसे हम पंचामृत कहते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आपको दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मिलानी होती हैं दोस्तों, और इन 5 चीजों को मिलाने के बाद जो आपका तैयार होता है वो होता है पंचामृत। पंचामृत से भगवान को आप नहलाइए और उसे फिर भोग स्वरूप सभी को वितरित कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और इन सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है, जो सबसे ज्यादा प्रिय हमारे गोपाल जी को है, वह है तुलसी दल। जी हाँ दोस्तों, बिना तुलसी के भगवान की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है, भगवान कृष्ण का जो भोग है वो पूर्ण नहीं होता है। बिना तुलसी के दोस्तों भगवान भोग को स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी यानी कि वृंदा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जन्माष्टमी के दिन। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है दोस्तों कि आप जन्माष्टमी के दिन ही तुलसी को तोड़ें, तो यह बहुत ही गलत माना गया है, यह वर्जित है। आपको जन्माष्टमी के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ रविवार के दिन भी तुलसी माता को हाथ नहीं लगाया जाता है दोस्तों। तो आप तुलसी दल को पहले से ही तोड़कर अपने पास रख लें, या फिर वृक्ष के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं उस तुलसी के दल का, उस तुलसी के पत्ते का उपयोग आप करें, क्योंकि बिना तुलसी के आपकी भोग, आपकी पूजा, आपके प्रसाद को भगवान स्वीकार ही नहीं करते दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बताया है कि क्या कुछ आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए, और कैसे करके आप भगवान कृष्ण को, हमारे नंदलाल जी को, गोपाल जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस दिन आप बस छोटे छोटे सी चीज़ों का ध्यान रखिए, भगवान का जाप कीजिए, उनके नाम का उच्चारण कीजिएगा और भगवान का पूजन अर्चन कीजिएगा। इस दिन आपको जो है वो तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, भगवान का भोग लगाइए और उसी भोग को प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण कीजिए दोस्तों। आप मानिए कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे, भगवान कृष्ण आपके सारे दुखों को हर ले जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा पर्व है जन्माष्टमी का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वह आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें दोस्तों। मिलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।